गाड़ी मिली तो, और अभी हम गए थे धारे में और मेरा मन था गन्ने खाने का, तो मैंने दूसरी वाली नानी से गन्ने मांग लिए और अभी हम वो खाने वाले हैं। और आज का ब्लॉग शायद होगा दादी के घर जाने का। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि हमें गाड़ी में लिए नहीं मिले, हमें नहीं पता टाइटल का, वो मम्मी को पता होगा, टाइटल बाद में डलेगा वो तो। और तू कुछ बोलना चाहेगी? और आज के नाश्ते में बनने वाला सैंडविच और ब्रेड पकौड़ा। कितना खाएगी तू सैंडविच? 50 रुपए। मैं काटूं तो खुद काट। आपने इस मिक्सर में क्या क्या डाला है? मैंने कैबेज डाला है, कुकुम्बर डाला है, टमाटो डाला है, कैप्सिकम था नहीं तो कैप्सिकम डाल नहीं पाई मैं। और तो इसमें मैंने म्योर डाला है और ऑरिगेनो सीड्स डाल रखी है और चिली फ्लेक्स डाल रखा है। ये वाले से यहाँ पर इसको मम्मी मिक्स कर रही है। म्योर कम है इसमें, हमने और मेवा डाल दी है क्योंकि थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा था। ये ग्रिल सैंडविच बना रही हूँ मैं। okay. इसमें कैप्सिकम होता है ना तो ज्यादा बढ़िया होता है, पता है? हाँ। ओके okay, सबको आपके हाथ का सैंडविच बहुत पसंद आता है। सैंडविच और ब्रेड पकौड़ा, ये ब्रेड पकौड़ा की स्टफिंग है और ये बैटर बनाया है मैंने उसका। ये आलू प्याज और हरी मिर्च का डाला है। यहाँ पे हो गया तेल गरम, अब हम इसमें ब्रेड पकौड़ा फ्राई करेंगे। हो गया तेरा? हाँ हो गया। डॉली ने यहाँ पे सारे ब्रेड्स में स्टफिंग भर दी है तो अब मैं इस पे बेसन में डिप करके इस पे फ्राई करूंगी। और मम्मी ने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था क्योंकि टेस्ट के लिए थोड़ा सा। चल अब डालती हूँ। तो ब्रेड पकौड़ा हो चुके हमारे रेडी, ये बन गए ब्रेड पकौड़ा। वाह यम्मी। तो अब बनाएंगे हम सैंडविच। सैंडविच तैयार करते हैं अब, ठीक है? फिलिंग भरूंगी और मम्मी फिलिंग करेंगी। तो ग्रिल मशीन तो है नहीं हमारे पास तो हम ये नॉनस्टिक पैन नॉनस्टिक तवे में ही बनाएंगे। तो ग्रिल मशीन तो है नहीं पापा मेरे पास। तो ब्रेड पकौड़ा बन चुके हैं, अब हम बनाएंगे सैंडविच। तो यहाँ पे हमने ब्रेड को इस पर रख दिया है और इस पर स्टफिंग भर दिया है। तो डॉली स्टफिंग भर रही है, मैं इस तवे पे कर रही हूँ। अभी खुलने की बारी है नेक्स्ट। तो इसको हम करेंगे क्रंची। जो है गाइस यहाँ पर हमारे ब्रेड पकोड़ा और सैंडविच तैयार हो चुके हैं। तो वो सैंडविच है, ग्रिल सैंडविच तो नहीं बना। और ब्रेड पकोड़ा देख के बताइए कैसा बनना है, ठीक है लक्की? बढ़िया ना? हाँ बढ़िया। तो ये हो गया हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। केचप मुझे खाना नहीं है, मुझे ऐसे ही खाना है। आठ सैंडविच और ब्रेड पकौड़ा। एक मिनट, चल ब्रेड पकौड़ा खा। मन नहीं कर रहा। अब ये सैंडविच खाना है? हाँ एक खा लो। काम है तेरा? तेरा कितना हो गया? मैंने अभी एक खाया और दो खाया। अच्छा काम कैसा लग रहा है खाने में? अच्छा टेस्ट हो रहा है ना? टेस्ट हो रहा है। तो अभी बजने वाले हैं 10:30, तो हम कर रहे हैं गाड़ी का वेट। हाँ। तो 11 बजे के करीब आएगी वो गाड़ी। हाँ, हमारी गाड़ी तो हमें बंगद्वारा तक की गाड़ी तो नहीं मिली, कफलो तक ही मिली है, पर हमने उसे रिक्वेस्ट करी कि हमको वहीं तक छोड़े क्योंकि इनके साथ जाना, मैं कैसे जाऊंगी इनके साथ ही बंदरों के साथ इतना सामान लेके। डॉली तू एक्साइटेड है आज दादी घर जाने के लिए? नहीं। क्यों? आज जाने के लिए एक्साइटेड। तो हम लोग 1.5 साल बाद जा रहे हैं वहाँ। नहीं आप तो चलिए। तो अभी बहुत तेज धूप हो रही है, बहुत तेज। उफ़ ओ आंखें भी नहीं खुल रही है, इतनी तेज धूप हो रही है। और हम रेडी हो चुके हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं, अभी गाड़ी वाले आएगा। तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है तो हम तैयार भी हो चुके हैं, अब वेट कर रहे हैं कि गाड़ी वाले कब आएंगे और उनके कॉल का वेट कर रहे हैं। पहले तो कॉल कब तक आती है उनके देखते हैं, 11 बजे का टाइमिंग तो दे रखा है। कावे भी रेडी हो चुकी है और कावे ने पहनी है ये पिंक कलर की फ्रॉक। बाल तो बना लेती बेटा, तो कावे ने भी बाल नहीं बनाया। हाँ, बाल बनाए। मैंने बाल बनाए।
ऐसे क्यों एक्टिंग करती है तू? तो दादी दादी के लिए क्या लेके जाएगी? दादी को कौन सी मिठाई पसंद है? नहीं गुलाब जामुन। जलेबी। जलेबी नहीं गुलाब जामुन। जलेबी नहीं, इससे ज्यादा गुलाब जामुन खाती हूं। हम लोग पीपल गार्डन डाली में रुकेंगे और वहां से लेंगे कुछ सामान, वहीं पे खाना है यार कुछ लेके। अभी अभी क्या लोगे? अभी तो तुमने ब्रेकफास्ट किया। मम्मी धो रही है कपड़े वॉशिंग मशीन से। अभी 11 से ज्यादा हो गए टाइम, गाड़ी वाले का फोन आया है कि वो अभी 11 बजे नहीं आएगा, वो 12 बजे आएगा। अब उसका वेट करना पड़ेगा, वो 12 बजे से ज्यादा भी टाइम ले सकता है। तो अभी गाड़ी आने में टाइम है, तो हम लोग तब तक खाएंगे पुलम। देखो कैसे पुलम यम्मी। तो ये ना अपने पेड़ के लगे हुए, नानी के घर गए थे तो नानी के घर में मामी ने तोड़ के दिया ये पुलम। तो ये पुलम बहुत ही रसीला है। ज़्यादा खट्टा नहीं हो रहा, मीठा मीठा सा है, अच्छा सा हो रहा। इसका मुँह पता है, गाड़ी वाले ने कहा था कि मैं 12 बजे आऊंगा, पहले 11 बजे बोला, फिर 12 बजे बोला, अब 12:30 हो चुके हैं और अब एक भी बजने वाला है। और गाड़ी वाले का था पता नहीं, और गुस्सा हो रहा मुझे भी। ज्यादा वेट किया नहीं जाता यार, गुस्सा आता है। तो गाड़ी वाला आने वाला है तो हम लोग सब तैयार हो गए। ये बैग है तो हम लोग तैयार हो गए, अब जाने लगे। तो पापा हमें छोड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना इतनी तेज धूप हो रही है तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, इस धूप में भी हमें वेट करना पड़ेगा। बहुत तेज धूप हो रही है, बहुत तेज है। देखो बहुत गर्मी हो रही है अभी, धूप लग रही है ना काफी, आपको भी लग रही है? बताइए गाइस, क्या मैंने जब ना मैंने इसके लिए मैंने जूस बचा कर रखा था, जब भी मैंने जूस पिया तभी ड्राइवर का कॉल आया। ये क्या बात, नहीं मैंने सोचा था ऐसे शायद हो सकता है ड्राइवर नहीं आएगा इसीलिए मैंने जूस पिया। तो अब इस धूप में भी हमें फिर से इंतजार करना पड़ेगा। अब यहाँ पे रोड पे तो आ गए हैं, अब वो गाड़ी आई ऊपर से और इतना तेज धूप हो रहा। दादी ने निकाल दिया भैंस को बाहर। डॉली तू क्या देख रही है? ये ना बड़ी खोटू डाल था वो। यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम बंगदारा। हाँ। बंगदारू गाँव। तो पहुंच गई तू बंगदारा? दादी के तो दादी घर पहुंच गई। हाँ। अच्छा। अब दीदी है। तो डॉली काफी बहुत खुश हो गए कि मैं अपने दादी के घर पहुंच चुकी हूँ। मैं खुश नहीं हूँ मेरे को। वो ताऊ जी है डॉली की फ्रेंड। कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं। बोलो बोलो। नहीं भाई, इतनी नाराजगी क्यों है? दोनों ऊपर चले गए। मैंने बनाई मैगी। तो ये यहाँ पे खा रही है मैगी। तो यहाँ पे सनसेट होने लगा है। तो अभी एक नया मंदिर बना है उमेश्वर दत्ता का, मतलब वो पहले बना था पर उसे वापस तोड़कर बना दिया गया है। उसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता है। तोड़ के नहीं बनाया, उसी के ऊपर से उसको और अच्छे तरीके से बनाया गया है। और मैंने देखो फूल लगा, उन्हें सर देता हूँ। कैसा लग रहा है मेरे बालों में फूल? अच्छा लग रहा। तो अब हम ना देखने जा रहे हैं मंदिर कि कैसा बनना है। हम मैं तो 1.5 साल बाद आ रही हूँ। यहाँ पर सनसेट हो रहा है।
अब ये मंदिर की सजावट चल रही है। जय गणेश देवता। तो बोरा नई टीरी बोराड़ी सभी अपने फोनों में बिजी। तो ये मंदिर रात को कुछ इस तरीके से लग रहा है, बड़ा सुंदर सा। चूल्हे पर तो हम लोग बना रहे हैं अपने चूल्हे में खाना। अब कीमत आयो रहेगा। अच्छा अच्छा काव्या इतनी गर्मी में तो चूल्हे में क्यों बैठी है? तो बन रही है बीन्स और आलू की सब्जी। कढ़ाई पे डाल दिया है। चूल्हे की सब्जी बहुत टेस्टी होती है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और जरूर सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।